को बोलती है मेरा दिमाग नहीं चल रहा मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी पूरा दिन बोलती मेरे से बात बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं चल रहा कंफ्यूजन है ना झूठ बट आपका माइक ना हिल जाए उससे तो प्यार की परीक्षा तो आप लोग पास कर आ गए अब हम करेंगे एक छोटी सी परीक्षा आप दोनों के साथ में जो कि हम करने वाले हैं आप दोनों का एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट बहुत करे वहां पे हमने ओके योर पार्टनर्स फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग लिखो लिखो मैं इसका लिखूं एक दूसरे का एक सेकंड ये गलत है ये तो ईडियम सुनता है तो क्या मतलब एक दूसरे के बारे में लिखना है कि मैं कोई सवाल पूछूंगा आपको बताना कि बट इसने मुझे अपना फेवरेट सॉन्ग नहीं बताया आपने कौन सा बताया मेरे को मैंने गेस किया मैंने गेस किया मैंने गेस किया पूरे शो में बताया किसी को नहीं बताया फेवरेट सॉन्ग नहीं बताया मैं ही ईडियम लिख लेती ये थोड़ा ये क्या आंसर हुआ बताओ ये बहुत कॉम्पिटिटिव है ये जीत हमारे बीच में हमने ये जो गेम खिलाई है लड़ाई हो जाएगी जहाँ प्यार होता है वहीं पे झगड़े होते हैं नहीं पता लिख देती हूँ यही लिखो आप ये एकदम ये डिप्लोमेटिक वाला जवाब है भाई कोई बात नहीं इसका तो मन भरे है मेरे को पता वो तो मैं पूरे दिन गाती रहती हूँ पूरा शो में मैंने रोज गाया है वो गाना बट क्या है मेरा सॉन्ग बताओ क्या इसी बहाने बता दो इसी बहाने मुझे नहीं पता कबीरा ये तो पहली बार पता चल रहा है मुझे कभी नहीं पहले पूछ लेते पूछे नहीं कभी ओके अगला सवाल है योर पार्टनर्स फेवरेट वन लाइनर अभी तक स्कोर चल रहा है 1-0 2-0 कर दो इसको नहीं भाई कुछ गहरा आ रहा है मुझे लग रहा है शायद हुआ है ये मुझे बार बार बोलते रहते चेष्टा यू वेरी इंपल्सिव वेरी इंपल्सिव वेरी इंपल्सिव तो आपको बोलता हूं ना मैं को बोलती है मेरा दिमाग नहीं चल रहा मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी पूरा दिन ये बोलती मेरे से बात बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं चल रहा 2-0 को करके आपने 2-1 कर दिया है नहीं वो 0-0 ही है वो फिर से 0 कर खुश करने के लिए बीच में मान लो यार बस योर पार्टनर्स फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन अब तो पता है ये तो सब ये क्वेश्चन आपको पता है कि नहीं पता ये वाला ये नहीं पता इसको कुछ भी नहीं पता तुम निकल बताते नहीं हो कुछ भी अपनी बातें ये टास्क को कंपैटिबिलिटी में ये पूछा था जब इसने बाली 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 करके अब तो सही लिखेगा मालदीव्स ही लिखेगा मुझे पता है अब मेरा क्या है सोचो नहीं वो पता कुछ बताता ही नहीं है यार लेकिन निखिल तुम्हें बहुत पता है यार चीज स्टडी लेकिन मैं बताती हूं बहुत एक्सप्रेस करती हूं ना ऐसी थोड़ा ये मतलब सुनता तो है लेकिन सुनता है ना बोलने देती नहीं है सुने ही कैसे अच्छा बता दो अब तो बता दो कुछ भी गैस कर हाँ यार के बातों में कभी कभी तो बातें आती होंगी कभी यार ये एक्चुअली अब मैं बताता हूँ अगर इसने अच्छी तरह शो भी देखा होता तो हमारे वहाँ पे भी ना वीडी में हमसे पूछा गया था और मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर किया मैंने ये क्वेश्चन आंसर किया डिनर हां मुझे पता है मुझे याद हां तो करो याद सर दिमाग नहीं चल रहा अच्छा कुछ एक हिंट सा लिख दो कि जो उससे कनेक्टेड हो दिमाग नहीं चल रहा 3-0 और आपने क्या लिखा है मालदीव्स ही है इसका गलत है चेंज कर दिया मैंने अभी अभी बैठे आपने मैंने चेंज कर दिया मेरा नहीं है फेवरेट मेरा दिमाग नहीं चल रहा वन थिंग योर पार्टनर हेट्स इन अ रिलेशनशिप ये तो पता होगा वॉट आर यू मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ आप दोनों एक दूसरे most grateful yeah. क्या चीज होनी क्या हाँ मतलब जो आपको लगता है कि लाइफ में आप दोनों इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो किस चीज के लिए होंगे वो नहीं मैं क्यों किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं मैं आपको समझ नहीं आती चीजें क्या चलो लिखो क्या लिखूं समझ नहीं आती चीजें नहीं आती इसको भी नहीं आती हुआ है भाई कैपिटल में अभी दिमाग नहीं चल रहा इसको वहां पे टास्क नहीं समझाते थे इसको समझाना पड़ता है हमारे टास्क हो जाते थे मैं अंदर के बोलती हमने क्या किया किस चीज के लिए हूं किसके लिए हो यू टेल मी दिखाओ मेरा थोड़ी ना वो आपका आंसर है चीटिंग नहीं भाई चीटिंग नहीं वो तो लिख दिया हम लिख दिया हां मैंने तो लिख दिया क्या
क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छी चीज लिखी है, ठीक है। तुमने क्या लिखा? तो यो ग्रेट लिखी नहीं, क्यों गुची, यो ग्रेटफुल फॉर गुची ना, इसका डॉग है गुची। अच्छा तो मैंने, तुमने मेरे ही लिख दिया, तो एक दूसरे का ही तो लिखना था यार, इसको समझ ही नहीं आता रहेगा मैंने क्या बोला। ओके तो अगला सवाल है हमारा, वन थिंग योर पार्टनर नोटिसेस इन पीपल दे मीट, जब वो मिलते हैं तो क्या एक दूसरे के अंदर नोटिस करते हैं ये? ओके जब चेस्टर मिलती है किसी से या आर्टिकल आप मिलते किसी और से, समझाऊं क्वेश्चन? समझाऊं, मुझे पता है, समझ आ गया। सोच ही नहीं कि तुम क्या नोटिस करते हो, सही नहीं समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पता है क्या है, बट ओके चेस्टर शो में तो जीतती हुई आ रही हो लेकिन यहाँ पे निकल से हार रहे हो आप, वो उससे कोई बात नहीं, ये घर की बात है। हाँ सही है, सही है। कितना का स्कोर हो गया फिर? देखा वो तो ये सबसे ज्यादा जो आई थिंक नोटिस करती है लोगों की एनर्जी, क्योंकि गलत है जान के, जेन्युइन गलत है, अब ये मानेगा नहीं। अच्छा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है इसका आंसर? तो ऐसे तो ये भी इट्स वन ऑफ द थिंग्स, नॉट एवरीथिंग, बट एनर्जी नहीं नोटिस करती हो, क्या नोटिस करते फिर? तो मैं तो ये भी ऐसे तो मैं आई नोटिस समवनस हेयर, मैंने ये बोला भी हुआ है, तो वही तो लिखना था। अरे अच्छा क्या, व्हाट डू यू नोटिस? एनर्जी तो मैंने कभी, व्हाट डू यू नोटिस, इसका नहीं मानते, व्हाट डू यू नो, उसका भी नहीं मानेंगे वैसे, बट व्हाट डू यू नोटिस? क्यों ये तो आप ऐसा? अच्छा ठीक है, अब वैसे बता दो कि क्या जो आप डू नोटिस, आप बताओ मेरे को। हेयर, मैं किसी के बाल नोटिस करता हूं। अच्छा वो सब तो फिर आई नोटिस आईज, आंखें देखती हूं, तो अगर वैसे लिखना है तो आंखें, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट कैंसिल हो गया दोनों। ओके अगला सवाल है मेरा, एक्सप्रेशन योर पार्टनर गिव्स व्हेन दे आर एंग्री, के मतलब जब वो गुस्सा होते हैं वो उनका क्या एक्सप्रेशन होता है? ये बनाना है इसको, बट आपका माइक ना हिल रहा उससे। ये तो ज्यादा नहीं, जब ये एंग्री होता है तो इस ज्यादा एंग्री तो मैं ही रखी होती हूँ, तो इसने एक दो बार मुझे ऐसे बोला है, चेष्टा प्लीज यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, तो हमारा झगड़ा हो गया। तो उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? यही ऐसे, चेष्टा यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। उंगली तो नहीं करते, उंगली नहीं करते, दूर से ही बोलते, मतलब फिर नहीं, इसका ऐसा इतना ही गुस्सा देखा मैंने, ऐसे इसको गुस्सा नहीं आता। इसको वैसे शो के बाद में कितनी लड़ाइयां हो चुकी है, हुई है? नहीं क्या बताएंगे आप, कौन सा एक्सप्रेशन जो करके बताना चाहें आप इनका? मैं कहता हूं ना वो, ये इसको गुस्सा आता है कुछ नहीं करती, बस ऐसे उठेगी और उठ के चली जाएगी, मौका ही नहीं देगी किसी और को बोलने का, वॉकआउट हो जाती है। ओके ये सवाल आप दोनों से रिलेटेड है, इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योर पास्ट व्हाट वुड इट बी, ये आप दोनों को खुद अपना खुद कर लिखना है। ये लिखना है जी? हाँ लिख के बता सकते हैं आप। नथिंग, अगर वो सब नहीं होता तो आज ये नहीं होता। एक्चुअली वो चीजों से मैंने सीखा है, तभी वो चीज मैं यहाँ पे करेक्ट कर पाई हूँ एक रिलेशनशिप में या बहुत सारी चीजों में। अगर वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेती तो मैं ये करेक्शन भी नहीं कर पाती और अभी उसी जोन में गलतियां कर रही होती। निकला आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि पास्ट में मैंने काफ़ी थोड़ी गलतियां करी हैं जो मैं चाहता कि यू नो, अगर अब मैं सोचूं तो ना करता, तो शायद अगर वो गलतियां मैं अवॉइड करता तो काफ़ी अच्छा रहता, मे भी वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था। अगला सवाल, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन यू कॉल व्हेन यू आर इन ट्रबल? सच वाला? अच्छा सच झूठ वाला भी अलग अलग होता है? मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि सच वाला ही लिखना। मेरा तो आंसर ये, देखो जब मैं किसी के साथ होता ना तो वही मेरे सेफ पर्सन बनते हैं, वही मेरा पर्सन होता है। अगर नाम लिख के बताना तो किसका होगा? नाम लिख के? या ठीक है लिखो, अब तो आपको ही आएगा कॉल तो मैं आपको ही नाम, आप ही करना। क्या लिखना भी क्यों है, पता तो है। आई मीन अभी अगर आप अभी अभी पूछ रहे हो प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली तो इसी को कॉल करूंगी ना अभी मैं, और किसी को कॉल थोड़ी ना करूंगी, अर्जुन को कॉल नहीं करने वाली। ओके व्हाट डिड योर लास्ट रिलेशनशिप टीच यू, लिख के बताना है। क्या बात है, क्या बात है, मेरे को ये सिखाया कि दूसरों को कैसे प्यार करना है। That's what I learned, how to love someone. मैं दूसरों को बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने से ज्यादा लोगों को प्यार करती हूँ, इसीलिए ये सीखा है मैंने कि ये भी करना है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, ये करूंगी तो मैं और अच्छे से शायद दे पाऊंगी। लास्टली मुझे बड़ा मजा आया भाई आपसे बात करके, विनर तो बन ही चुके हो और शो में ही विनर बनकर ही आए हो एक तरीके से। इस तरीके से मैंने इंटरव्यू में मैंने बोला था कि भाई साथ में ट्रॉफी जीत के लेकर आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल जीतना ट्रॉफी से कम नहीं होता है, सबसे जो आप दोनों ने जीत लिया। जो भी बोलना चाहें आप दर्शकों से, जो भी आप कहना चाहें, आप कहा और कैसे, आप कम बोलते हो, अच्छी बात है आप बोलते हो ना, तो नहीं नहीं आप बोलो, क्योंकि जो वीडियो ट्रोल मुझे कर रहे हैं कि ये बोलने नहीं देती है, ये कितनी बार तो मुझे ऐसे ऐसे ट्रोल लेना, वो तो सच है।
मैं यही बोलूँगा कि चाहे जितने मर्जी कंपैटिबिलिटी टेस्ट हम पास या फेल कर लें, बट हमें ये पता है कि हम लाइफ में पास ही करेंगे, तो सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है, एंड इसलिए हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ तभी बन के रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। क्या बात है, फिर जीत गया, ऐसी ऐसी बातें जीत जाता है ये।